हे गाइस, दिस इज़ यूटीके फ्रॉम यूटीके गेमर। और गाइस वापस आ गए हैं एक और नई वीडियो में, और बहुत टाइम बाद आ गए हैं उसके लिए सॉरी। और गाइस अभी इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ अपने यूट्यूबर्स पैक के नए वर्जन 3.1 का। एक्चुअली मैंने इसका एक टेस्टिंग वर्जन, जिसे बीटा वर्जन भी कह सकते हो, एक टेस्टिंग वर्जन भी निकाला था जो कि वर्जन 3.0 था, और उसमें 2-3 बग्स थे जो कि आप लोगों ने रिपोर्ट किए। मैंने डिस्कॉर्ड पे उसका टेस्ट वर्जन रिलीज़ किया था, उसमें काफ़ी लोगों ने उसको रिपोर्ट किया और काफ़ी लोगों ने उसमें से ग्लिचेज जो बग्स थे वो निकाले, और वो सब मैंने फिक्स कर दिए। तो वो सब के साथ अभी स्टेबल अपडेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये है यूट्यूबर्स पैक, और इसमें क्या चीज़ नहीं है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सेटिंग्स वाले बटन पर अगर आप क्लिक करोगे तो इसमें से आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, डिफ़ॉल्ट और ऑप्टिफाइन, जो कि अब ऑप्टिफाइन हटा के इनेबल बटन्स कर दिया गया है। अब ऑप्टिफाइन मैंने क्यों हटाया ये मैं आपको बताऊंगा, और डिफ़ॉल्ट में काफ़ी सारी चीज़ें नई ऐड की गई हैं वो सब आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, और इनेबल बटन्स में क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इनेबल्स बटन में सिर्फ बटन्स ऐड हो जाते हैं, जो कि काफ़ी लोग मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बटन्स इनेबल करो, हम लोगों को प्रॉब्लम होती है खेलने में। सो बटन इनेबल रहेंगे, बाकी सारे फीचर्स डिफ़ॉल्ट वाले रहेंगे इनेबल बटन वाले में, बाकी कुछ नहीं है। और अभी मैं विंडोज़ 10 एडिशन में इसका रिव्यू कर रहा हूँ, तो मैं बटन्स के साथ रिव्यू नहीं कर पाऊँगा, सॉरी फॉर दैट। और अभी ज्वाइन कर लेते हैं एक वर्ल्ड आपको दिखाने के लिए, और आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो मेरी वेबसाइट से, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो यूट्यूबर्स पैक। और अभी फटाफट से हम लोग ये वर्ल्ड ज्वाइन कर लेते हैं, और मैं पूरा रिव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या नई चीज़ें इसमें आई हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैंने चेंजेस करी हैं। ओके, सो ज्वाइन हो चुके हैं, अभी मैं आपको सब एक एक चीज़ यहाँ पर रिव्यू दे देता हूँ कैसे क्या क्या करना है। ओके, सो अभी देखो, सबसे पहले हम लोग एक ऐसे वर्ल्ड में हैं जहाँ पे मैंने पूरा सेटअप किया हुआ है जो सारी नई नई चीज़ों का, और अगर थोड़ा सा आपको लैग लगे वीडियो में तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा डिवाइस थोड़ा, मतलब छोड़ो यार, एनीवेज। ओके, सो ये देखो यहाँ पे रिमूव्ड ऑप्टिफाइन है और एडिड बटन्स। एडिड बटन्स का मैंने आपको बता दिया, रिमूव्ड ऑप्टिफाइन का मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्टिफाइन मैंने रिमूव इसलिए किया क्योंकि देखो बेडरॉक एडिशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा, पहले से वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो चुका है, और जहाँ तक मेरे को लगा कि ऑप्टिफाइन की इसमें ज़रूरत नहीं लगी मुझे। सो मैंने बिना ऑप्टिफाइन के भी खेला तो बहुत ही स्मूथ चल रहा था, कोई भी लैग वगैरह नहीं था, इसलिए मेरे को ऑप्टिफाइन हटाना पड़ा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसमें बग्स भी थे। सो ये है हमारे ग्लास पेन में, ये एक दिक्कत है बस, ये जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर मैं नहीं हटा पाता, पता नहीं, मैंने काफ़ी कोशिश करी बट ये मैं नहीं हटा सकता, सो सॉरी फॉर दैट। इसको क्योंकि हम लोग ट्रांसपेरेंट भी नहीं कर सकते, बाकी स्टेंड ग्लास हैं और ग्लास पेन जो है उन सब पे उसी कलर का बॉर्डर दिखाई देगा, तो ये मेरे को एक चीज़ लगी कि हाँ इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसको हम लोग एक तरह से इग्नोर कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है क्योंकि उसी कलर के बॉर्डर आ रहे हैं। सो ये थे हमारे ग्लास पेन। फिर आते हैं हमारे मेन जो ग्लास ब्लॉक होते हैं वो, सो ये है ग्लास ब्लॉक जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं, और ये बिल्कुल जावा एडिशन के ऑप्टिफाइन जैसे मैंने इसमें मतलब टेक्सचर डाला इनका, जो कि बहुत ही मस्त लगता है। और ऐसे ही स्टेंड ग्लास बिल्कुल क्लियर क्लीन, कोई बॉर्डर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पार्टिकल्स भी नहीं है, तो बहुत ही मेरे को ऑसम लगे ये वाले ग्लास ब्लॉक्स, इनका टेक्सचर। और नेक्स्ट हमारे पास है स्कैफोल्डिंग, जिसका जो टॉप वाला हिस्सा होता है वो मैंने रिमूव कर दिया है क्योंकि ये थोड़ा इलॉजिकल लग रहा था कि मतलब ऊपर से कवर होते हुए भी हम लोग कैसे इसमें से ऊपर नीचे हो सकते थे। सो इसको थोड़ा सा लॉजिकल बनाने के लिए मैंने ऊपर से इसके ये स्ट्रिंग जो होती हैं वो हटा दी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्कैफोल्डिंग की क्राफ्टिंग रेसिपी में स्ट्रिंग नहीं लगेगी, स्ट्रिंग अभी भी लगेगी। सो स्ट्रिंग के बिना तो बन ही नहीं सकती, बट स्ट्रिंग मैंने टेक्सचर में से हटा दिया यहाँ से। सो ये चीज़ मेरे को एक चीज़ लॉजिकल लगी थोड़ी, इसलिए मैंने ये चीज़ चेंज करा ये वाला। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास होपर इंडिकेशंस। तो ये देखो आप लोग देख सकते हो, ये आपको छोटे छोटे एरोज दिख रहे होंगे होपर के ऊपर, तो इन एरोज का मतलब है कि कौन सा होपर किस होपर से कनेक्ट है। अब जैसे देखो ये आपको एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा, इसका मतलब ये ऊपर इसके आगे वाले होपर से कनेक्ट है। अब एक तरह से मैं आपको अगर इधर देखो, अगर मैं इसको इससे अटैच करता हूँ एक होपर, सो इधर इस तरफ एरो बन गया, मतलब ये होपर इससे कनेक्ट है, और अगर मैं इसको तोड़ के इस वाले से कनेक्ट करता हूँ तो वही एरो अब इस डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब अब ये होपर इस वाले होपर से कनेक्ट है। तो ये एक चीज़ मैंने इंडिकेशंस की लगाई है, और दूसरी चीज़ है कि कौन सा होपर एक्टिवेट है उसका इंडिकेशन। तो उसके लिए मैंने इसमें क्या किया, जैसे कि हम लोग रेडस्टोन से एक्टिवेट करते हैं तो आपको ये ग्लो करके दिखाई देगा, मतलब ये देखो सारे जो एरो जो जितने भी इंडिकेशंस हैं ना वो सब ग्लो करेंगे, और हमें अलग से ही पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा होपर एक्टिवेट है और कौन सा होपर इस वक्त बंद पड़ा है, और कौन सा होपर किस होपर से या किस चेस्ट से या किस चीज़ से कनेक्ट है। तो ये चीज़ मैंने इसमें बहुत बहुत ही बढ़िया लगी मेरे को, यही फीचर सबसे बेस्ट लगा।
और आप लोग भी कमेंट करके बताना आपका फेवरेट फीचर कौन सा है इसमें, इस पूरे रिसोर्स पैक में। एनीवेज तो ये था होपर का, जो कि मेरा फेवरेट अब तक का मेरा फेवरेट, मेरे को चेंज लगा इस वाले नए अपडेट में। सो एनीवेज आप लोग भी ज़रूर बताना अपने, ये होपर इंडिकेशंस मेरे ख्याल से बहुत ही काम आने वाले हैं, बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोगों की वीडियोस के लिए, अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हो रेडस्टोन की तो। एनीवेज तो ये है हमारे लेदर आर्मर, और लेदर को जब हम डाई करके हम लोग यूज़ करते थे नॉर्मली माइनक्राफ्ट में, तो उसमें एक स्ट्रिप आती थी लेदर की, जो कि बहुत ही अजीब लगती थी और देखने में भी उसका टेक्सचर बड़ा अजीब लगता था। बट अब ये एकदम क्लीन टेक्सचर्स होते हैं, ये देखो कोई स्ट्रिप नहीं, कोई कुछ नहीं, जिस कलर का डाई करोगे सिर्फ उसी कलर का कंप्लीट आपको लेदर आर्मर मिलेगा। तो ये एक चीज़ मेरे को सबसे बढ़िया लगी। और नेक्स्ट है हमारे पास शील्ड, शील्ड का टेक्सचर मैंने बदला है, थोड़ा सा छोटा भी कर दिया शील्ड को, तो अभी मैं आपको इसका यूज़ करके बताता हूँ। एक मिनट, इसको लेते कैसे हैं? ओके ओके सॉरी, ओके इधर एक मिनट, ये थोड़ी अजीब सी, एक मिनट, ये शील्ड को मैं एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहा, और इसको मैं उठा भी नहीं पा रहा, ये यार ये माइनक्राफ्ट का बग भी ना। दोबारा से लेते हैं, ओके अभी ठीक है। सो शील्ड का स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, और आप लोग देख सकते हो शील्ड मैंने यूज़ कर रहा हूँ तभी भी पूरी स्क्रीन एकदम ब्लैंक है, और जब हम क्राउच करते हैं तब छोटी सी वो आती है, और ऐसे ही टोटम ऑफ अंडाइंग के साथ किया है मैंने। और ये देखो पूरा स्क्रीन का आपको पूरा इंटरफेस मिलता है, ज़्यादा स्क्रीन भी ये कवर नहीं करता। और अगर आप थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में देखते हो, सो एक मिनट, थर्ड पर्सन में देखोगे तो शील्ड का टेक्सचर आपको ऐसे क्रीपर फेस वाला दिखाई देगा, जो कि बहुत ही मस्त लगता है। और अगर आपका प्लेयर, आपका कोई फ्रेंड, जो अगर आप मल्टीप्लेयर में ये टेक्सचर पैक यूज़ करते हो और आपका फ्रेंड भी यही यूज़ कर रहा है, तो आपको आपके फ्रेंड को भी सेम यही टेक्सचर की शील्ड दिखाई देगी, और आपको भी जितने भी बाकी मेंबर्स होंगे उन सब की शील्ड भी इसी टेक्सचर की दिखाई देगी। सो ये एक शील्ड वाला टेक्सचर मेरे को काफ़ी सही लगा, और शील्ड का साइज़ भी छोटा कर दिया, टेक्सचर भी चेंज कर दिया, ताकि थोड़ा सा नई चीज़ लगे। ओके नेक्स्ट हमारे पास है साउंड्स। अब साउंड्स का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोलूँ साउंड सुनो, तो साउंड में कुछ साउंड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं ना वो मैंने थोड़े से चेंज करे हैं, और जावा एडिशन वाले साउंड्स के साथ मैच करे हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि उधर देखो, उधर एक पिग है, अगर मैं इस पिग को मारता हूँ तो फ्लिक वाली एक दो, ये देखो एक मिनट लो, इसको मारने पर पता नहीं चला, मैं एक मिनट किसी दूसरे को मारता हूँ। जैसे स्वीपिंग एज वाला इंचेंटमेंट होता है ना अपने जावा एडिशन में, तो जैसे उसमें जब हम किसी स्वॉर्ड से किसी मॉब को मारते हैं तो ऐसे फ्लिक वाली साउंड आती है, तो वो वाली साउंड इफेक्ट इसमें डाला है। ये देखो बहुत ही मस्त लगती है ये साउंड। यस, इसी साउंड की बात कर रहा था, और सिर्फ यही साउंड नहीं, पानी की बात करें तो ये देखो, जब हम बेडरॉक एडिशन में पानी में कूदते हैं तो बड़ी गंदी सी और नॉइजी साउंड आती है जो कानों में चुभती है, बट इस रिसोर्स पैक को यूज़ करके जब आप पानी में कूदोगे तो सुनो कितनी मस्त साउंड आती है, मतलब बहुत ही मज़ा आ जाता है सुन के, अच्छा लगता है। और स्विमिंग साउंड भी थोड़ी सी अलग है, और दोबारा मैं आपको पानी में एक बार कूद के दिखाता हूँ, ये साउंड सुनो कितनी शांत सी साउंड है, ज़्यादा चुभती भी नहीं कानों में, तो बहुत ही अच्छी लगी। फिलहाल मैं तो आपको ज़्यादा साउंड से नहीं सुना पाऊँगा, बट आप लोग यूज़ करके इसमें काफ़ी सारी साउंड्स हैं जो मैंने चेंजेस करी हैं और सुन सकते हो। जावा एडिशन वाली साउंड्स इसमें मैंने रिप्लेस करी है बेडरॉक एडिशन की साउंड से, तो बहुत ही मस्त रिसोर्स पैक लगा मेरे को इस वाले अपडेट में। आप लोग बताना कौन सा अपडेट आपको इसमें सबसे बेस्ट लगा, कौन सा फीचर आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और डाउनलोड कर सकते हो मेरी वेबसाइट पे जाके, वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर डायरेक्टली जाना चाहते हो तो www.utkgamer.in पे जाके भी कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी इसका बग फीचर या कुछ भी आपको इसमें ऐसा लगता है कि हाँ ये बग है या फिर ये फिक्स होना चाहिए, तो आप लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हो। सो फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।